फाइनली दोस्तों यहां पे देख सकते हो मुझे मिल चुका है इवो गन कोबरा MP40 ओनली 1x पिन में। तो फाइनली दोस्तों जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो वाला दिन आ चुका है, यानी दोस्तों हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है कोबरा MP40 इवो गन रिटर्न। तो गाइज आज की इस वीडियो में इसको हम निकालने वाला है और आप सभी को बताऊंगा कि इसको लेने के लिए आपके कितने डायमंड लगने वाला है और साथ ही साथ इसको वन स्पिन में कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ डिटेल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए शुरू लेकर एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले दोस्तों गन की एबिलिटी के बारे में बता देता हूं, तो लेवल 1 पे इसका सिंगल डैमेज रहेगा और सिंगल रेट ऑफ फायर का। उसी तरह दोस्तों आप मैक्स लेवल के करेंगे यानी 4 लेवल पे इसका एट्रीब्यूट अनलॉक होगा जिस पे डैमेज सिंगल प्लस रहेगा एंड सॉरी डैमेज डबल प्लस मिलेगा एंड रेट ऑफ फायर आपको सिंगल प्लस मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, हर बार फेडेड विल में ऐसा होता है कि दो ऐसी चीज जिसको आप रखना नहीं चाहते और निकालना चाहते तो आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पे इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और कंफर्म करके निकाल दूंगा। तो दोस्तों यहां पे पहला हम स्पिन लगाएंगे, बट उससे पहले दोस्तों वन स्पिन में निकालने के मैं आप सभी को ट्रिक बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कैरेक्टर को चेंज कर लेना है एंड यहां पे प्रिज्म का यानी एडम चाचा वाला कैरेक्टर ले लेना है। उसके बाद आपके पास कोई पेट है तो पेट को भी रेज कर देना है। यहां पे लोड आउट में से आपको उसके इनर बाउंड्री वगैरह को हटा देना। फिर दोस्तों यहां पे वेपन में है और वेपन में जाने के बाद सभी वेपन को ऐसे कर देना है यानी सभी गन को अनविप कर देना, ग्लूवल को भी हटा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से वहीं वापस हमारे इवेंट में चले जाना है एंड दोस्तों यहां पे वन स्पिन मारने से पहले आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप करेंगे एंड दोस्तों यहां पे हम लगाने जा रहे हैं पहला वाला स्पिन यानी वन स्पिन। तो यहां पे कंफर्म कर दिया, देखते हैं गाइस कितने वन स्पिन में मिलता है या नहीं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे वन स्पिन में मिला है फार्मर्स गन का कैरेट। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सभी यूट्यूबर आपको वन स्पिन का ट्रिक बताएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक बताए, लेकिन आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वन स्पिन में मिलेगा या नहीं। यानी दोस्तों अगर आप ज़्यादा डायमंड का टॉप अप वगैरह नहीं करते हो तो आपको वन स्पिन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको स्पिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दूसरा वाला जो हमारा स्पिन रहेगा वो रहेगा 19 डायमंड का। तो दोस्तों हम 19 डायमंड वाला स्पिन लगाने जा रहे हैं, क्या लगता है गाइस इस बार निकल जाएगा? इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए टेप करते हैं क्योंकि क्या पता भाई हमारा अगर लक सही रहा तो निकल जाएगा। तो यहां पे कंफर्म कर दिया, देख लीजिए गाइस क्या होता है। ओके गाइस, तो यहां पे देख सकते हो डायमंड रॉयल वाउचर मिल गया, यानी थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज गाइस हमको कोबरा MP40 मिल जाता। तो अभी गाइस जो हमारा तीसरा स्पिन है वो है 39 डायमंड वाला। तो दोस्तों यहां से 39 वाला डायमंड का स्पिन लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आजा ओ भाई सब फिर से वापस रह गया, यानी गाइस लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमें डायमंड रॉयल वाउचर मिला था, उसी तरह दोस्तों यहां पे यानी हमारे MP40 के पास में जो होता है वो रिवार्ड मुझे लगा भाई मिल जाएगा, बट मिला नहीं। कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि हमारे पास डायमंड की कोई कमी नहीं है। यहां पे अभी हम करने जा रहे 69 वाला डायमंड, ठीक है, चले ओके करते, कंफर्म करते, आजा मेरे पास इस बार खुल जाना, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पे हम जो गन निकाले उसका कैरेट निकला है, चले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों देख लीजिए कोबरा MP40 को अपग्रेड करने के लिए हमारे पास 5 टोकन मिले हैं, तो ये खत्म हो जाने के बाद हम इसको अपग्रेड भी करेंगे, चले इसके ऊपर टैप करते। अभी गाइस देख लीजिए 99 वाला स्पिन है। गाइस आपको क्या लगता है कि 100 डायमंड में गरेना क्या मेरे को ये वाला कोबरा MP40 दे देगा? चलिए देखते क्या होता है। ओके करेंगे, कंफर्म करते, मेरे भाई आ जाना इस बार। ओके ओ भाई साहब, दिल से बुरा लगता है गाइस, दिल से बुरा लगता है 99 डायमंड में सिर्फ और सिर्फ मेरे को मिला है मैजिक क्यूब का एक फ्रेगमेंट। मेरे को भाई बहुत ही दुख होता है, बट कोई नहीं गाइस, इसको हम ओके कर देंगे एंड गाइस यहां पे देख लीजिए फ्री स्पिन को निकाल दिया है एंड गाइस यहां पे होना चाहिए 199 वाला, उसकी जगह है 149 वाला। उसके बाद भी दो स्पिन रहेगी यानी 150 डायमंड जो है यहां पे ज्यादा ऐड कर दिया गया है, यानी लास्ट टाइम जो आया था उससे यहां पे आधा में ये निकलेगा। चलिए दोस्तों 149 वाला लगा लेता है। गाइस आपको क्या लगता है निकल जाएगा? मेरे को तो भाई भरोसा नहीं रहा क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 पिन रहे, ठीक है, तो चलिए इसको ओके कर देते हैं।
ओके खुल जा गाइस, देख लीजिए भाई ये अब क्या नाटक है। 150 डायमंड सिर्फ और सिर्फ एक टोकन मिला भाई, ये क्या ही घटिया गंदा मजाक है। चलो कोई नहीं गाइस, इस बार जिस बार हो गया सो हो गया, बट 199 वाले डायमंड में मेरे भाई निकल जाना, ठीक है। मेरे को भरोसा है कि निकल जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ पे वापस इसके ऊपर टेप करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये निकल जाएगा। कंफर्म कर दिया एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ओ भाई साहब मेरे को पता था कि मेरे को नहीं मिलेगा, यानी दोस्तों लेजेंडरी कोबरा का लूट बॉक्स मिला 199 डायमंड में। फिर से मेरे को गुस्सा आया क्योंकि दोस्तों अब मुझे करना पड़ेगा आखिरी वाला स्पिन। एंड दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आखिरी वाला स्पिन होता है वो सभी स्पिन और वो एक स्पिन सबके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम करने जा रहे हैं 500 डायमंड का स्पिन। चलिए इसके ऊपर ओके करते हैं और स्पिन कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहां पे देख सकते हो मुझे मिल चुका है ईवो गन कोबरा MP40 ओनली 1x स्पिन में। सॉरी गाइस मैं मजाक कर रहा था, 1x स्पिन में मेरे को नहीं मिला है, यानी दोस्तों मेरे को सभी स्पिन करने पड़े। कितने डायमंड लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा। तो मैं दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, जब में हम MP40 को मैक्स लेवल का करेंगे और उसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली ऐसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।